राजेंद्र गुड़ा शिवसेना में शामिल हो गए लेकिन कांग्रेस से निकाल दिया क्या उनको? अभी तक तो कांग्रेस के मेंबर थे। अब वो तो उनसे पूछिए कि वो चले गए अभी यहीं हैं। नहीं, पार्टी ने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं, आप बताओ ना, वो तो उनको पूछिए ना। वो तो जो अब कर लिया तो आप लिख दो कर लिया। दुपट्टा पहन लिया उन्होंने शिवसेना का, अच्छी बात है, पहन लिया तो बधाई। परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ अलायंस करेगी? इंडिया जीतेगा तो अलायंस में क्या, अलायंस तो कर ही लिया ना हमने, हमारा एक ग्रुप बन गया इंडिया। जब अरे भाई इंडिया में राजस्थान कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस नहीं है क्या इंडिया में? इसलिए ये अलायंस वाला मुद्दा, इंडिया जो हमारा नया गठबंधन बना है वहाँ पर ये सब चीजें तय होंगी, उसके बाद में राजस्थान में आएंगे। डोटासा जी, उदय निधि स्टाइलिंग लगातार सनातन धर्म पर टारगेट कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे? इसका राजस्थान से क्या संबंध है भाई? सनातन धर्म आपके गठबंधन में, सनातन धर्म का मतलब है कि सब अपने अपने धर्म को माने और हर व्यक्ति दूसरे के धर्म का उतना ही सम्मान करे जितना अपना धर्म मानते हैं। ये सर, हनुमान बेनीवाल से कोई होगा कुछ गठबंधन? हनुमान बेनीवाल से कोई गठबंधन? अगर वो इंडिया में आएंगे तो आगे फिर पार्टी देखेगी। कल तक जो सरकारी थे अब सरकार बनने की कोशिश में, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब राजनीति में शामिल हो रहे हैं लेकिन बीजेपी में ज्यादातर हो रहे हैं, क्या रीजन है सर? क्या काय में ब्यूरोक्रेट्स? वो उनको उनको बीजेपी में जा रहे हैं, उनको ईडी इनकम टैक्स का डर सता रहा होगा कि हमने जो कुछ किया होगा पूरे जीवन में कहीं ईडी ना आ जाए, इनकम टैक्स नहीं आ जाए, सीबीआई नहीं आ जाए। तो वो जीतने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपनी खाल बचाने के लिए जा रहे हैं बीजेपी में। ठीक है, गोविंद राम जी। हाँ।